Hello my dear students, welcome to Young Roots. I am here to teach you the second chapter of BST, that is Principles of Management. Management, Principles of Management ke badhne ke pehle hum ye dekhte hain ki management kya tha, kuch to recall karte hain. So management matlab aise sare kaam karna to achieve my goal ya fir kaam karwana. Theek hai, management is also said as getting things done with from others. या फिर आई कैन से दैट ऑल द एक्टिविटीज एंड टास्क अंडरटेकन टू अचीव गोल्स. ठीक है, और ये जब मैं गोल्स अचीव करूंगा, ये सारे मैं जो गोल्स अचीव करूंगा गोल्स और ये जो मैं सारे गोल्स अचीव करूंगा ये सारे गोल्स है ना, मैं कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ तरह की एक्टिविटीज करूंगा. मैं कंटिन्यूअसली और कैसी एक्टिविटीज पता है, जैसे कि आपको पता चल गया होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी एक्टिविटीज करने के बाद में जब मैं अपने गोल्स को अचीव कर चुका हूंगा तब मैं कहूंगा कि सर मैंने क्या कर लिया, मैंने मैनेजमेंट कर लिया. ठीक है, अब ये मैनेजमेंट के ऊपर हम आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. हाँ, प्रिंसिपल का मतलब होता है बच्चों कुछ तरह के रूल्स. माय फ्रेंड, देयर आर सम काइंड ऑफ रूल्स इन साइंस, इन मैथ्स, इन केमिस्ट्री, इन फिजिक्स. आप कोई भी चीज पढ़ो, कोई भी इकोनॉमिक्स, वहां पे भी कुछ लॉ बने हुए हैं. तो वैसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ रूल्स बने हुए हैं, लेकिन ये जो रूल्स है ना, ये रूल्स एक जनरल गाइडलाइंस है, या फिर मैं कह सकता हूं बहुत ब्रॉड एग्जैक्ट नहीं है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है. जैसे कि केमिस्ट्री में कैसे होता है कि भाई ये दो मिलाओगे तो आपको हमेशा ये प्रोडक्ट का जो मास है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मास ऑफ रिएक्टेंट, वैसा ये एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट है, रिजिड है. लेकिन यहां पर एकदम एग्जैक्टनेस नहीं है. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है, इट इज ओनली अ जनरल गाइडलाइन, एक सिर्फ और सिर्फ जनरल गाइडलाइन. लेट मी गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. अगर मैं आपको कहूं कि मुझे एक एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, क्या करना है, एक एम्प्लॉय का प्रमोशन करना है, तो अब ये जो प्रमोशन है, तो प्रमोशन कैन बी बेस्ड ऑन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस प्रिंसिपल्स विच आर ऑन माई माइंड. जैसे कि कुछ बंदे या फिर कुछ मैनेजर्स प्रमोशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी. मतलब 5 साल से है, 10 साल से है, 15 साल से है, तो उसका प्रमोशन करो. अच्छा, उसी के सामने कुछ मैनेजर्स ऐसे भी प्रमोशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैरिट. ठीक है, मतलब उनका परफॉर्मेंस चार्ट, तो परफॉर्मेंस के ऊपर भी प्रमोशन मिलता है और सीनियोरिटी के ऊपर भी परफॉर्मेंस मतलब प्रमोशन मिलता है. व्हाट इज द मतलब एग्जैक्ट मीनिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये एक प्रिंसिपल है, वो ये रूल फॉलो कर रहे हैं, सीनियोरिटी के ऊपर आपको प्रमोशन मिलेगा. ये एक प्रिंसिपल है, एक तरह का रूल है, आपको परफॉर्मेंस के बीच में प्रमोशन मिलेगा. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, अ शॉर्ट एंड सिंपल वे में एक गाइडलाइन, और ऐसी गाइडलाइन जो आपको ये नहीं कहेगी कि भाई ये यूज करो और आपको मतलब सक्सेस मिल जाएगा, आपको सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहेगी. ठीक है, या फिर दिस इज नॉट अ टेलर्ड थिंग कि आपको रेडीमेड चीजें मिल जाएगी. तो वैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रेडीमेड, आपको उसको स्किलफुली अप्लाई करना आना चाहिए. ठीक है, तो बढ़ने के पहले, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर बढ़ने के पहले कुछ डिस्कशन क्या हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, एंड द डिस्कशन इज प्रिंसिपल मैनेजमेंट वर्सेस प्योर साइंस, प्रिंसिपल मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो बढ़ते हैं टू द डिफरेंसेस बिटवीन मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्योर साइंस. मैनेजमेंट प्रिंसिपल और प्योर साइंस के बीच में क्या डिफरेंस है भाई, मतलब हमारा जो साइंस है
उसके बीच में और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बीच में क्या फ़र्क है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो साइंस जो है ना उसके रूल्स बहुत रिजिड है और उसके रूल्स कभी भी कोई भी कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होते हैं, जैसे हैं वैसे रहेंगे। इफ़ द एप्पल फॉल्स इट विल ऑलवेज फॉल। ऐसा नहीं है कि भाई कोरोना आ गया तो एप्पल फॉल नहीं होगा, नहीं, एप्पल विल ऑलवेज फॉल। तो साइंस के जो रूल्स है वो रिजिड इन नेचर है, व्हाइल इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर। आपको जैसे जब यूज करने हैं तब यूज कर सकते हो। आपको डिसिप्लिन का प्रिंसिपल नहीं यूज करना है तो आप मत यूज करो। आपको यूनिटी ऑफ मतलब डिवाइड एंड रूल फॉलो नहीं करना है तो आप डिवाइड एंड रूल मत फॉलो करो। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू योर टारगेट। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर फ्लेक्सिबल अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑल्सो। जैसे देखो पहले क्या होता था, हम बच्चों को मारते थे डांटते थे, हम मतलब मेरे टीचर्स जब बच्चों को डांटते थे मारते थे तो वी यूज टू अलाउ देम एंड वी यूज टू लर्न फ्रॉम देम कि चलो ठीक है अब पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब कैसा सिनेरियो हो गया, अब हाथ लगा दे तो ह्यूमन राइट्स की बात आती है कि सर स्टूडेंट को इतना ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहिए। सो दिस ऑल आर द एक्स वाई जेड अगेन द चेंजिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है जैसे कि मैंने कहा ये हॉस्पिटल्स ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस इंस्टीट्यूशंस अलग अलग कोई भी तरह के इंस्टीट्यूशंस में काफ़ी ज़्यादा काम आता है, तो वहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या फ्लेक्सिबल होते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है बहुत सिंपल है इसका, ठीक है, जैसे अप्लाई कर रहे हो वैसे ही हमेशा अप्लाई करना होगा। जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन वी माइनस यू इजिकल टू टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू ए एस, ऐसा कुछ मतलब इक्वेशन था, मेरे को भी कुछ याद नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी ऐसे अपने मैथ्स के अंदर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो वो सब चीज़ें क्या थी, ये सब चीज़ें एब्सोल्यूट है यानी हमेशा सेम रहेगी। स्टैटिक मतलब सेम, नेवर चेंजेस, ठीक है, स्टैटिक मतलब कॉन्स्टेंट। तो जैसे आप इसको अप्लाई कर रहे हो हमेशा आपको इसको कॉन्स्टेंटली अप्लाई करना होगा। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट तो इसका जो एप्लीकेशन है ना, इसका एप्लीकेशन कैसा है, दे हैव टू बी अप्लाइड क्रिएटिवली। इसको थोड़ा सा क्रिएशन करके यूज करना होता है, ऐसे नहीं बोल दिया कि भाई ये ले तू डिसिप्लिन अब फॉलो कर ले, पर डिसिप्लिन आपको आपके तरीके से फॉलो करना है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली फॉलो करना है। दैट इज व्हाई वी से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर डिफरेंट फॉर फ्रॉम प्योर साइंस। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, रिलेशन विद एनवायरमेंट। कि अगर एनवायरमेंट बदल जाए तो क्या प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में कुछ चेंज आएगा। क्या लिखा हुआ है, नेवर स्टैटिक, ये कभी भी सेम नहीं रहते। जैसे जैसे एनवायरमेंट बदलेगा वैसे वैसे हम भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बदलेंगे, ठीक है, या फिर बदलते रहेंगे। और इसीलिए आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इवोल्यूशनरी इन नेचर, इवॉल्व होते रहते हैं। क्यों, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन, सब आगे आएगा। ठीक है, तो देखो दे आर नेवर स्टैटिक, दे कीप ऑन चेंजिंग। व्हाइल इफ आई टॉक अबाउट प्योर साइंस, न्यूटन ने कब कहा था कि द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन हैज इक्वल अपोजिट रिएक्शन, और अभी तक चल रहा है, दे नेवर चेंजेस। एक बार जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बन गए, रूल्स बन गए, वो वैसे के वैसे रहेंगे। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस टेक्निक ऑफ प्रिंसिपल्स। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट डिफरेंस, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, हमने पढ़ा जनरल गाइडलाइन है, और ये जो जनरल गाइडलाइन है ना, हम कोई मेथड में या फिर कोई भी टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कोई डिसीजन लेना होता है, तो हमें ये गाइडलाइन काम आती है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको प्रमोशन वाली बात बोली है ना, क्यों, मेरे को उस टाइम पे एक एक्शन लेना था प्रमोशन वाला। ठीक है, प्रमोशन के प्रोसीजर होते हैं, प्रमोशन का टेक्निक होता है, तो इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए या फिर कोई भी एक्शन या डिसीजन को प्रैक्टिस करने के लिए मुझे गाइडलाइन जो मिलती है, दिस गाइडलाइन इज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। व्हाइल ऑन द अदर हैंड टेक्निक का मतलब होता है एक तरह का प्रोसीजर, एक तरह का काम करने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, सीरीज ऑफ प्रोसेस। तो दे आर प्रोसेस प्रोसीजर और सीरीज ऑफ स्टेप्स टू अचीव डिजायर्ड गोल। आपको कोई भी मकसद,
कोई भी गोल पाना था तो हम लोग वो गोल पाने के लिए मैनेजमेंट टेक्निक यूज करते हैं, कोई भी मेथड, कोई भी पर्टिकुलर मेथड जो हमेशा अपन स्पेसिफाइड रखते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट डिफरेंस इज फ्लेक्सिबिलिटी, दे आर नॉट सो, दे आर ऑलवेज फ्लेक्सिबल। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, ठीक है। जैसे कि पहले क्या होता था कि मुझे अगर बच्चों को डांट के पढ़ाना होता था तो मैं डांट के पढ़ा सकता था, लेकिन अगर अब बच्चे ने होमवर्क नहीं किया, बच्चा कहता है कि सर नहीं हो पाया, कोई बात नहीं बेटा, कोरोना का टाइम है, तुझे भी डर लग रहा है, मुझे भी डर लग रहा है, कोई बात नहीं, तू बाद में कर लेना, हो रहा है सर टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, एक्स वाई जेड। फ्लेक्सिबल, मेरा मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल है। वाइल ऑन द अदर हैंड टेक्निक इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। मान लो हम कोरोना के पहले एक मेथड से अडॉप्टेड थे, विच मेथड, दैट वॉज ऑफलाइन स्टडी। हम सीधे सीधे पढ़ाते थे, है ना, आप क्लास में आते थे, हम इंटरैक्शन करके, केस स्टडीज डिस्कस करके, सब तरीके से हम एक मेथड को फॉलो करते थे, ठीक है। बट एज दिस सिचुएशन हैव चेंज्ड, ठीक है, जिस तरह से कंडीशन बदली है, अब क्या हो रहा है, अब अपन नहीं कर पा रहे हैं, अब अपन जल्दी से फ्लेक्सिबल नहीं हो पा रहे हैं, येट वी आर नाउ, अब हम बदल चुके हैं, अब अपना ऑनलाइन एमसीक्यू टेस्ट भी हो रहा है, ऑनलाइन जो शॉर्ट सबमिशन जो टेस्ट था, शॉर्ट आंसर्स वाला, वो भी हो रहा है, एंड धीरे धीरे हम इवॉल्व हो रहे हैं, यानी हमारा जो मेथड है वो धीरे धीरे बदल रहा है, एकदम से तो नहीं बदला ना, इसीलिए कहते हैं कि टेक्निक इज नॉट दैट फ्लेक्सिबल, ठीक है। बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। बात कर रहा हूं मैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यूज, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, मैं बस से जा रहा था, BRTS बस स्टेशन जो है अपना, BRTS के थ्रू मैं जा रहा था फ्रॉम माई वन प्लेस टू अनदर डेस्टिनेशन। जाते वक्त मैंने ये देखा कि बस पूरी फुल थी, एकदम लोडेड, ठीक है, खचाखच भरे हुए हैं सब लोग, और वहाँ पे मैंने एक ओल्ड मैन को देखा, बूढ़ा आदमी, बुजुर्ग जैसे, है ना, दादाजी जैसे। तो अब ये दादाजी जैसे आदमी को मैंने देखा और खड़े हैं, जगह नहीं मिल रही है, मेरे मन में एक बात आई, आई सेड के यार ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं इतना यंग, इतना एनर्जेटिक हो के मुझे अगर खड़ा रखो चलेगा, लेकिन दादाजी को खड़ा रखो आई वॉन्ट लाइक दिस थिंग। तो मैंने क्या कहा, दादाजी आप बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूं, ठीक है। तो ये क्या कह सकते हैं हम, इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे काम को हम कह सकते हैं द वैल्यूज, मेरे वैल्यूज, ठीक है। तो वैल्यूज अगर मैं शॉर्ट में कहूं ना, ऐसे काम जो सोसाइटी आपको सुन के बोले वाह क्या लड़का है, काई छोरो है यार, काई छोरी है यार, है ना, तो वैल्यूज, ठीक है, दैट इज सोसाइटी आपको ऐसा कह देना कि यार थू 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 ऐसा किया तूने, दैट मीन्स यू डोंट हैव दैट वैल्यू। तो वैल्यू क्या है, वैल्यू कहां से बन रहा है, वैल्यू सोसाइटी से तो बन रहा है ना, पीपल के ऑब्जर्वेशन से बन रहा है, लोग ये चाहते हैं, सोसाइटी से चाहती है, तो वैल्यूज बन रहे हैं, है ना। सो देखो डिफरेंस क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल दे आर गाइडलाइन टू एक्शंस। ये क्या है, कोई भी काम करना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, आपको उसके लिए गाइडलाइन मिलेगी, तो दैट इज अ प्रिंसिपल। गाइडलाइंस, गाइड, गाइड का मतलब क्या होता है बच्चों, गाइड का मतलब होता है कोई आपको एक तरह से मदद करे, आपका काम करके नहीं देगा, मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट का पूरा काम करके नहीं देगा, ये सिर्फ गाइड करेगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड वैल्यूज आर जनरल रूल्स, एकदम नॉर्मल रूल्स है, किसके लिए, फॉर बिहेवियर, किसका बिहेवियर, इंडिविजुअल का बिहेवियर, एक अकेले बंदे का बिहेवियर सोसाइटी में कैसा होना चाहिए, जनरल रूल्स हमने बना दिए हैं कि भाई वो मतलब चोरी डकैती नहीं करना चाहिए, बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट इज अगेन, ऑनेस्टी इज अगेन, ठीक है। तो दिस ऑल आर द वैल्यूज, फॉर्मेशन, दे आर फॉर्म्ड आफ्टर रिसर्च इन वर्क सिचुएशन, आपके काम करने के हालातों में आपके ऊपर रिसर्च किया जाता है कि हाँ भाई ये काम कर रहा था, इसको पैसे मिले, इसने ज्यादा काम किया, दैट मीन्स वर्क बेनिफिट इंसेंटिव्स मिलते ही उसका वर्क का जो क्या कहते हैं उसको, समझ गया ना, वर्क करने की कैपेसिटी तो वो बढ़ गई। और यहां पे क्या है, दे आर फॉर्म्ड थ्रू कॉमन प्रैक्टिस, नॉर्मल कॉमन प्रैक्टिसेस जो होती है उसके थ्रू, जैसे कि नॉर्मल जो काम चलता आ रहा, उसको देख के वैल्यूज बन जाती है, ठीक है। सो दिस आर वैल्यूज, दे आर टेक्निकल इन नेचर, ये टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करती है, ह्यूमन बींग्स के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन ये जो है ना, ये सोसाइटी के एथिक्स के ऊपर डिपेंड करती है,
एथिक्स आपको पता ही होगा, बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है आपने एथिक्स के ऊपर, है ना, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्सेस वैल्यूज. तो अब हम बात करेंगे ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये आए कहां से सर, क्या हुआ एग्जैक्टली कि हमारे दिमाग में प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जैसी बात आ गई, प्रिंसिपल्स बना दिए हमने. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशन से आए, हमने बहुत सारा ऑब्जर्व किया. जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मान लो कि एक कंपनी है, उसमें मैंने एक बार देखा कि एक एम्प्लॉय को हमेशा एक ही जन एक ही बॉस था और वही हमेशा कमांड देता था, इसको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं और ये इतना सॉलिड काम करता गया एंड ही बिकेम अ वेरी गुड एम्प्लॉय. दैट मींस दिस वॉज ऑब्जर्व यूनिटी ऑफ कमांड. मैं आगे आपको बताऊंगा ये भी, यूनिटी ऑफ कमांड दिस वॉज ऑब्जर्व. हमने ये देखा कि यार इसको हमने बार बार एक ही बंदे से काम दिलवाया तो इसको कोई कंफ्यूजन नहीं था और ये फटाफट उसकी बात मानता गया और झटाझट काम करते गया. यहां पे इस ऑब्जर्वेशन का हमने दूसरे कंपनीज के अंदर एक्सपेरिमेंट किया. बहुत सारी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है भाई, बहुत सारी अदर ऑर्गेनाइजेशन है और ये ऑर्गेनाइजेशन में हमने फिर से रिपीटेडली हमने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट करके ये कामकाज करके हम कहां पे डिराइव हो गए, हमने रूल्स बना लिए, जनरल गाइडलाइंस बना ली, किसकी, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की, ठीक है. ये जो पॉइंट बोल रहा हूं ये पॉइंट में ऐसा है कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये दोनों को कंट्रीब्यूट करता है. इट कंट्रीब्यूट्स टू साइंस, जैसे कि हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जैसे अपन मैंने अभी अभी आपको कहा कि एक यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ ऑर्डर, ऐसे बहुत सारे अलग अलग है. तो मैंने ये सारे एक्सपेरिमेंट किए, ऑब्जर्वेशन किए, विच कैन बी सेड एज साइंस, और यही प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर्ट को भी कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि मुझे ये सारे जो प्रिंसिपल्स है, ये सारे गाइडलाइंस है, ये मेरे तरीके से अकॉर्डिंग टू माई स्किल्स मुझे इनको अप्लाई करना होता है. सो दिस इज आर्ट. सो वी कैन से दैट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड्स कंट्रीब्यूशन टू बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस. क्रिएटिव एप्लीकेशन है ना इसलिए. तो बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पॉइंट या फिर नेक्स्ट टॉपिक विच वी कैन से नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बहुत डिस्कशन कर लिया, उसको लोगों के साथ में बहुत, मतलब अदर फैक्टर्स के साथ अपन ने बहुत कंपेयर कर लिया. अब मुझे देखना है कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसके क्या फीचर है. तो सबसे पहला फीचर है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, यानी यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी हर जगह पे ये एप्लीकेबल होगा इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ध्यान सुनो क्या बोल रहा हूं, इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को साइज के हिसाब से बात करूं तो चाहे वो बिग फर्म हो या फिर स्मॉल फर्म हो, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इजीली अप्लाई हो सकता है. जैसे कि अगर मैं बोलूं डिविजन ऑफ वर्क, जिसके मदद से स्पेशलाइजेशन आता है. अगर मैं आपको ऐसे कहूं कि मैं आपका काम डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है, आपको पर्टिकुलरली एक ही टास्क करना है और वो बार 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 वही टास्क करना है, यू विल गेट स्पेशलाइज्ड इन दैट. आपने देखा होगा कि पंचर वाला कितना परफेक्टली फटाफट पंचर बना के दे देता है, क्यों भाई, 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल से वही काम कर रहा है. तो आई कैन से दैट कि मैं ये जो डिविजन ऑफ वर्क है जिसके मदद से मैं स्पेशलाइजेशन लाता हूं, मैं वो छोटी फर्म में भी डिवीजन ऑफ वर्क कर सकता हूं और मैं वही डिवीजन ऑफ वर्क बड़ी फर्म में भी कर सकता हूं. एंड इफ आई टॉक अबाउट डिफरेंट काइंड दैट इज नेचर, अगर मैं नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,
अगर मैं नेचर ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो मैं इसके अंदर भी ये एप्लीकेशन कर सकता हूं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, गवर्नमेंट रन कर रही हो उसको, या फिर सोशल हो, या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, कैसी भी हो, इन सब के अंदर भी तो डिविजन ऑफ वर्क हो सकता है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एप्लीकेबल है। ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या फिर ऐसा कोई भी बिजनेस यूनिट नहीं है जिसके अंदर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस मतलब क्या होता है कि हमने जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो हम ऐसे डायरेक्टली भाई ये ले ले आके लेके आ गया फटाफट खा ले आप सक्सेसफुल हो गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। ये ले भाई ये टेलर सिला सिला कपड़ा है तू पहन ले मैनेजमेंट हो जाएगा, नहीं, दे आर नॉट टेलर मेड। ये कोई टेलर मेड चीज नहीं है कि आपको दे दी आपने पहन ली मैनेजमेंट हो गया। ये कोई स्ट्रेट जैकेट नहीं है कि आपने डायरेक्ट पहन लिया और मैनेजमेंट हो गया, नहीं भाई ये भी गलत हो जाएगा। तो जनरल गाइडलाइंस का मतलब है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ओवरऑल हेल्प। गाइड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि गाइड का मतलब होता है एक तरह का हेल्प करना, आपको पूरा काम करके नहीं देना। तो उसी तरीके से ये जनरल गाइडलाइंस जो है वो हमेशा एवर चेंजिंग है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एवर चेंजिंग है और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कंडीशंस के हिसाब से चेंज होता रहता है, मार्केट कंडीशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, तो वी हैव टू एडजस्ट इट, ठीक है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं ये जनरल गाइडलाइंस है, मतलब वी हैव टू एडजस्ट, ठीक है, विथ द कंडीशन। इसीलिए हम इसको जनरल गाइडलाइंस कहते हैं। ऐसा नहीं है कि साइंस वजह से भाई ये उठाया अप्लाई कर दिया, नॉट पॉसिबल। जैसे कि ये एक प्रिंसिपल है कि सब इंडिविजुअल के गोल को हटा के एक कॉमन गोल के बारे में सोचना, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल गोल इनटू जनरल ऑब्जेक्टिव्स, ऐसा जनरल गोल करके है ये प्रिंसिपल है, आगे बताऊंगा अभी मैं आपको। तो इस प्रिंसिपल के तहत मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई तरह का कंफ्लिक्ट हो रहा है, तो मैं बोलूंगा भाई कंपनी का सोचो, चलो काम पे लगो। ऐसे तो नहीं बोलूंगा ना उसको कि भाई तुम दोनों झगड़ ही नहीं रहे हो, मैं बोलूं चलो कंपनी का सोचते काम करते हैं, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये जनरल गाइडलाइंस है, सिचुएशन देख के कंडीशन देख के उसे एडजस्ट करके उसे अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। थर्ड नेचर दैट इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ना ये ऐसे नहीं बने हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी जस्ट बताया है कि ये बार बार कुछ ना कुछ, जैसे कि अपन ने यूनिटी ऑफ कमांड वाला देखा है ना, तो ये बार बार हम एक ही चीज को देखते आए, हमने उसका एक्सपेरिमेंट किया, प्रैक्टिस किया और तब जाके हमने ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाया। तो ये इसका नेचर है दैट इट इज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। और मैं इसके अंदर बहुत अच्छी एक लाइन बोल सकता हूं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर, यानी कि दे आर इवोल्यूशनरी इन नेचर। इनका नेचर कैसा है, इवोल्यूशनरी है, ये कंटिन्यूअसली इवॉल्व होते रहते हैं, नए बनते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया क्रिएशन आता रहता है। तो दैट इज व्हाई वी से दे आर फॉर्म बाय प्रैक्टिस और प्रैक्टिस हम कभी छोड़ते नहीं है। इस तरीके से मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल है नेचर के अंदर। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या, सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, एनवायरमेंट के हिसाब से चेंज हो जाना है ना। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये भी चेंज जाते हैं। साइंस के जैसे नहीं है कि आपको यही लॉ बार 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 अप्लाई करना है, क्रिएटिवली अलग अलग लॉ आते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात,
सबसे बड़ी बात, इसको आप आंख बंद करके अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई ये ले, ये प्रिंसिपल मैनेजमेंट अच्छा लग रहा है, अप्लाई कर दिया, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं दे कैन नॉट बी क्या अप्लाइड ब्लाइंडली, इसको हम ब्लाइंडली अप्लाई नहीं कर सकते, आप कितना भी कोशिश कर लो। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन ये भी एक तरह का प्रिंसिपल है, थोड़ा सा पहले से आपको सब क्यूरियोसिटी रहेगा तो आगे मजा आएगा पढ़ने में। सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन भी एक प्रिंसिपल है, और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि आपको अथॉरिटी किसको देनी है किसको नहीं देनी है। आगे आप ऑर्गेनाइजिंग में भी पढ़ोगे, तो अगर मान लो कि एक डिपार्टमेंट है जो अथॉरिटीज को हैंडल ही नहीं कर पा रहा है, जो अथॉरिटीज को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं है, जो अच्छे से प्रोडक्शन भी नहीं दे रहा है, प्रॉफिट भी नहीं दे रहा है, क्या मैं उसको सारी अथॉरिटी दे दूं? पॉसिबल है? घर पे आपके आपके घर पे कोई एक ऐसा पर्सन, चाहे आपका भाई, आपका छोटा भाई, कोई भी, ठीक है, आपसे जो यंगर है, आप उसको ऐसा कोई काम दोगे, कोई ऐसे कोई काम की अथॉरिटी दोगे जो वो कर ही नहीं सकता है? नहीं ना, आप ब्लाइंडली कोई काम नहीं देते उनको, है ना। तो सेम टू सेम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो भी कभी भी ब्लाइंडली अप्लाई नहीं होते हैं, दे कैन नॉट बी अप्लाइड ब्लाइंडली। जैसे कि मैंने आपको बोला अथॉरिटी वाला जो प्रिंसिपल, वो आप बिना देखे तो अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पहले समझना पड़ेगा, बुद्धि लगानी पड़ेगी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बिहेवियरल है इन नेचर में, यानी ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये सबसे ज्यादा ह्यूमन को इन्फ्लुएंस करते हैं। अरे मैनेजमेंट भी हम ह्यूमन के ऊपर ही तो करते हैं, मल्टी डायमेंशनरी, तो उसी तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है और ह्यूमंस को सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अगर मैं कोई भी कंपनी का प्लान लेआउट कर रहा हूं, अगर मैं कंपनी का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो उस स्ट्रक्चर में मैं सोचता हूं कि जहां पे ह्यूमन काम करने वाले हैं उनके आजू बाजू में इक्विपमेंट रखो ना यार। दिस इज अ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, जैसे सपोज करो फर्स्ट फ्लोर पर अगर सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उस सारे मशीन की जो इक्विपमेंट्स है, अलग अलग रॉ मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स, कुछ भी उनको मशीन के ऊपर ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड है, वो सब कहां पे होगी? वो सब के सब फर्स्ट फ्लोर पे होगी, नॉट एट द फोर्थ फ्लोर। कि भाई मशीन में कुछ खराब हो गया, रुको फोर्थ फ्लोर जाके आना पड़ेगा, थक जाएगा यार, कुछ काम भी नहीं आएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? बिहेवियरल है इन नेचर में, यानी ह्यूमंस के बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है और ह्यूमंस के बिहेवियर से बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के मदद से हम अच्छा क्रिएट्स गुड रिलेशनशिप, किनके बीच में? बिटवीन ह्यूमन, इंसान और मटेरियल रिसोर्सेस, इंसान वाले रिसोर्स और मटेरियल वाले रिसोर्स के बीच में अच्छा रिलेशन बनता है। सिक्स्थ पॉइंट, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बिहेवियरल का मतलब था कि वो ह्यूमन के बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, टारगेट है उसके पास में कि कुछ गोल अचीव करना है तो ह्यूमंस के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, इसीलिए हम कहते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज बिहेवियरल इन नेचर। लेकिन ये जो सिक्स पॉइंट है ना, ये सिक्स पॉइंट है अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। क्या होता है ना कि कई बार हम कुछ प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं और हमें कुछ रिजल्ट मिला, तो दैट अप्लीकेशन वॉज अ कॉज, हमने कोई कारण से उसको अप्लाई किया था, और द इफेक्ट, द रिजल्ट इज अ इफेक्ट। ठीक है, तो जो भी हमने प्रिंसिपल अप्लाई किए थे, लाइकली ऐसे सिचुएशन शायद दोबारा फिर से आ जाए, या फिर लाइकली ऐसे सिचुएशन हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में वापस से लार्ज पॉपुलेशन में उसको यूज कर पाए। ठीक है, क्योंकि हमने इस कॉज में ऐसा कुछ किया था। हालांकि ह्यूमन बिहेवियर कभी भी क्या कहते हैं उसको, दे आर नॉट आइडेंटिकल, हमेशा सेम बिहेवियर्स नहीं आते, हमेशा सेम बिहेवियर नहीं आते, लेकिन मैं कह सकता हूं कि
जब जब ऐसा हुआ था तब तब हमने ऐसा किया था. तो दिस इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बना के रखता है. देखो समझो एक बात को, एक एग्जांपल देता हूं. मान लो कि मुझे एक नया प्लांट बनाना है, मुझे एक नया प्लांट बनाना है. आई वॉन्ट टू क्रिएट अ न्यू प्लांट लेआउट. तो मुझे क्या सबसे ज्यादा चीज की क्या जरूरत होगी? मुझे सबसे ज्यादा ओपिनियंस रिव्यूज की जरूरत होगी. एम आई राइट? सबसे ज्यादा ओपिनियंस और रिव्यूज की जरूरत होगी. तो यानी इस वक्त मैं ज्यादा से ज्यादा सुनूंगा. और वहीं पे मैं बात करूं कि अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, कोई इमरजेंसी कंसेप्ट, उसके से एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई भी मतलब प्लांट के टाइप में कुछ भी घटना घट गई, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे सिर्फ एक बंदे की सुननी चाहिए. तो इस टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में ये इट वुड बी एडवाइजेबल कि आप हमेशा क्या करो, ऑर्डर्स दो, कमांड्स दो. ठीक है? तो देयर वॉज अ कॉज. ये कॉज क्या था? इमरजेंसी. कॉज क्या था? नया कुछ करना है, नया कुछ करना है. इट इज एडवाइजेबल आप सुनो. ठीक है? कुछ इमरजेंसी है तो इट इज एडवाइजेबल आप फॉलो करो. जो भी रूल्स आए उसको फटाफट फॉलो करो. तो दिस वॉज अ कॉज, द इफेक्ट वॉज फॉलो. दिस वॉज अ कॉज, द इफेक्ट वॉज पार्टिसिपेशन. ठीक है? तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल जो है वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करते हैं. ठीक है? सेवेंथ पॉइंट, दैट इज कंटिंजेंट. कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कि सिचुएशन के हिसाब से, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, दैट इज कंटिंजेंट. जैसे कंटिंजेंट लायबिलिटी आपने सुना होगा अकाउंट्स में, तो वैसे ही कंटिंजेंट जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट भी है ना, कंटिंजेंट है. वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं. दे डिपेंड ऑन द सिचुएशन, दे डिपेंड ऑन सिचुएशंस. अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का तरीका बदल जाता है. जैसे कि एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कि एम्प्लॉयज़ को है ना फेयर और जस्ट रेवेन्यू मिलना चाहिए. मतलब सही तरीके से उनको सही, उनके सैलरी जो भी वेजेस बोलो वो उनको सही से मिलना चाहिए. बट वॉट इज जस्ट, वॉट इज फेयर? फेयर क्या होगा? उसने कितना काम किया उसके हिसाब से ना. अब अगर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा है और वो मुझे बोल रहा है मुझे पगार दो, मुझे पगार दो, कैसे चलेगा? अच्छा, व्हाट इज फेयर? कंपनी कमा रही है तभी तो कुछ दे पाएगी. अगर कंपनी नहीं कमा रही है तो वो एम्प्लॉयज को कैसे देगी? तो दिस इज अनफेयर टू कंपनी. और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या कहता है? फेयर होना चाहिए, है ना, वेजेस फेयर होनी चाहिए. तो फेयर कैसे होगी? तो इसका मतलब वेजेस विल बी फेयर अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस. सही बात है ना? कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से आपको फेयर वेजेस का पता चलेगा, जस्ट एंड फेयर वेजेस का पता चलेगा, नहीं तो कैसे पता चलेगा? सो दिस ऑल आर This all are the nature of principles of management. ये सब क्या है? Nature of principle of management है. सबसे पहला क्या? हर जगह applicable है. चाहे छोटी organization हो, बड़ी organization हो, it is applicable everywhere. Second point क्या? They are general guidelines. बस एक तरह का मदद करती है. जैसे कि मैंने कहा they are not tailor made. ठीक है? मदद करती है ये. ठीक है? And the next point is formed by practice and experimentation. ऐसा नहीं है कि भाई एक बार अपन ने try कर लिया बस हो गया. हम उसको बार बार उसको practice करते हैं. जैसे कि मैंने आपको example दिया. ठीक है? कि बार बार आप उसी practice को, उसी experimentation को आप अच्छे से करते रहो. The next point is flexible. क्या है? The principle of management are flexible in nature. वो condition के हिसाब से change होते हैं. ठीक है?
सिचुएशन के हिसाब से, दे आर मेनली बिहेवियरल, यानी बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करते हैं और डिपेंड नहीं करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर को क्यों इन्फ्लुएंस करते हैं? जस्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में है कंटिंजेंट फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब हो गया कि सर वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब था कि आप उसको जैसे चाहो तब चाहो जब चाहो आप उसको यूज कर सकते हो। कंटिंजेंट का मतलब है कि आप उसको कंडीशंस के हिसाब से ही अप्लाई कर सकते हो, यू कैन नॉट अप्लाई इट एज एंड व्हेन यू नीड, ठीक है। आप उसको जैसे चाहो वैसे अप्लाई नहीं कर सकते। कंटिंजेंट का मतलब है कि ये प्रिवेलिंग सिचुएशन के ऊपर है, प्रिवेलिंग सिचुएशन के बारे में बता रहा है, और फ्लेक्सिबल जो है वो उसका नेचर बता रहा है कि आपको कब कौन सा कैसे यूज करना है, ठीक है। कंटिंजेंट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या, कि आपने कुछ लाइकली कॉज देखा और उसका लाइकली रिजल्ट आया। हालांकि नॉट एवरी कॉज का इफेक्ट इज आइडेंटिकल इन प्रैक्टिस, बट दिस आर फॉर सम पर्पस दिस आर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ कुछ जगह पे जैसे कि इमरजेंसी कंडीशन मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दिस ऑल आर द नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टॉपिक्स। देन इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द सिग्निफिकेंस एंड वेरियस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एज स्पेसिफाइड बाय हेनरी फेयोल। थैंक यू सो मच।